देवतुले अय्यो अम्मा शक्ति आज सदै चिंतन गमन क्रमांक 9 11 दिन रविवार तारीख 14 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री जी एम अग्रवाल साहब जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कॉमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो पुरुषसूक्त भाग 5 ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त के कुछ अन्य मंत्रों की विस्तृत व्याख्या। आप ज्यादा समझ रहे तो आदरणीय जी अग्रवाल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय जी अग्रवाल पुरुष सूक्त के इस पंचम सत्र में सभी का बड़े प्रेम सम्मान से अभिनंदन वंदन एवं स्वागत। स्वाध्याय एवं चिंतन नामक इस श्रृंखला के आयोजक श्री अरविंद शर्मा जी का भी कोटि कोटि साधुवाद, जो अनवरत इसकी धारा को अक्षुण बनाए रखने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भले ही इससे जुड़ने वालों वाले सुधी जनों की संख्या कम दिखती हो, लेकिन इसके साथ जुड़ने वाले एक एक प्रबुद्ध श्रोता मेरे विचार से उन सहस्त्रों श्रोताओं के बराबर हैं जो किसी राजनीतिक रैली में लाए जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो मैं तो एक एक श्रोताओं को एक एक सहस्त्र के बराबर मानता हूं। भगवत चर्चा एक बड़ा रूखा विषय है आजकल, खास तौर से सोशल मीडिया के जमाने में, जहाँ पे व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है और लोग सोचते हैं कि कैसेट तो मिल ही जाते हैं, देख लिए जाएंगे। तो भगवत चर्चा करने एवं उससे जुड़ने का सौभाग्य विरले लोगों को ही प्राप्त होता है। और जब कोई आपका पुण्य, कोई सुकृत्य इस जन्म का या पिछले जन्मों का परिपक्व होता है, तब हमारी बुद्धि उस दिशा में उस अनुरूप आगे बढ़ती। अस्तु, गुरु वंदना, गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना के अपने क्रम को बनाए रखते हुए आज की वार्ता प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। तो उसी क्रम से, ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदं, मंत्र मूलं गुरुर वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा के केवल मोक्ष का पद प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात उतनी ही सत्य है जितनी कि सूर्य के प्रकाश से हमारा जीवन इस प्लेनेट पर संभव। अभिषिक्तार्थ सिद्धि अर्थम पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन उपरोक्त मंत्र से करने के उपरांत वाग देवी माँ सरस्वती का ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के इस मंत्र से करना चाहूंगा कि अमृत में नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ताय भीष्मसि प्रशस्तिम अमनस कधी। अप्रशस्ता यानी जो विदाउट एक्सप्रेशन जो है, पूरी सृष्टि विदाउट एक्सप्रेशन है। जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं हुई, वाग्देवी की कृपा नहीं हुई, तब तक हमारी वाणी में, हमारे बोलने की जो शक्ति है माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होती है। और जो भी हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, जो भी हमारी विचार निकलते हैं, मन से निकलते हैं, बुद्धि से निकलते हैं, उसमें समी में माँ सरस्वती का की कृपा का समावेश अवश्य होता है। तो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, पुरुष सूक्त के ऋग्वेद में जो 16 मंत्र दिए गए हैं, उन पर हमारी विषय वस्तु आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये आज का पंचम सत्र जो है, उसके प्रथम 4 मंत्रों का विवेचन पूर्व के सत्रों में किया जा चुका है। और इन मंत्रों की व्याख्या के साथ साथ पुरुष सूक्त की महिमा, उसका महत्व, उपयोगिता
लाभ, पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति आदि की आख्या पूर्व में विस्तार से की जा चुकी। तो पुरुष सूत्र के जिन जिन चार मंत्रों का विवेचन किया जा चुका है, उनको एक बार, उन मंत्रों को एक बार दोहरा लेते हैं, जिससे कि आगे के मंत्रों का तारतम्य और उसकी क्रमबद्धता बनी रहे और व्याख्या करने में सरलता एवं सुगमता रहे। तो उन चार मंत्रों को एक बार मैं आपके समक्ष संक्षेप में रख करके आगे बढ़ूंगा। तो पहले के चार मंत्र में प्रथम मंत्र था कि सहस्त्र शीसा पुरुषः सहस्त्रपाते स भूमिं विश्वतो वृत्वा अधितिष्ठते दशांगुलम्। उस परस पुरुष को सहस्त्र शीर्षों वाला यानी अनंत ज्ञान के भंडार वाला, अनंत दिव्य शक्ति वाला सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात अनंत वीर और शौर्य वाला, अनंत पराक्रम वाला माना गया था, कल्पना की गई थी और ये कहा गया था कि सब भूमिं विश्वतो वृत्वा अति तिष्ठत सांगलम। इस पूरे ब्रह्मांड को, और इस पूरे ब्रह्मांड को ही नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को आवृत करने के उपरांत भी वो 10 उंगल 10 दिशाओं से भी परे रहता है। यानी जितने भी ब्रह्मांड है उनको उनमर उनमें तो पूरा उसका समावेश है ही, लेकिन वो उस सबसे भी परे है। और इसी क्रम में जो दूसरा मंत्र था कि पुरस एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम हुतामृतत्व शेषाणो यदन्ने नातिरोहति। क्या कहते हैं कि पुरस एवेदम सर्वम, वो जो पुरुष है जिसकी कल्पना की गई है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, परम पुरुष है, वो वर्तमान में, भूत में और भविष्य में सब कुछ जो भी घटित होने वाला है, जो कुछ घटित हो चुका है और जो घटित हो रहा है, उस सब का मूल आधार वही परम पुरुष है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम्। और क्या है वो, ताम्रतत्व शेषानो इदन्ने नातिरोहति। वो अमरत्व का भी स्वामी है, अमरता का भी स्वामी है, और इन संसारिक पदार्थों को जो अन्न से आरोहित होते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनका भी नियंता वो। तीसरे मंत्र में हमने चर्चा की थी कि एतावानस्य महिमा तो जायांस पुरुषा पादो अस्य विश्वा भूतानि पादस्मृतम दिवि। कहते हैं कि इन दो मंत्रों में जो परम पुरुष की बारे में कहा गया है कि वह सहस्त्र शीर्षों वाला है, सहस्त्र आंखों वाला है, सहस्त्र पादों वाला है, पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर रखा है उसने, और वर्तमान भूत और भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है सब उसका ही आधारभूत वही है। तो ये कहते हैं कि उसकी महिमा है, ये पुरुष नहीं है। पुरुष तो इससे कहीं अधिक है। पुरुष की जो महिमा बताई गई है, वास्तव में पुरुष जो है वो इससे कहीं अधिक है। जायांस पुरुषा अधिक है, ज्यादा है उससे। और जो अनंत कोट ब्रह्मांड है, पादो अस्य विश्वाभूतानि, उसके एक पाद में समाहित है। एक पाद मतलब 1/4 भाग में समाहित है, और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, उसके 3 पाद जो है वो अमरत्व में, दिव्य लोक में है, अनंत ज्ञान शक्ति लोक में है, जहां पर संसारिक दोषों का, संसारिक कलमशों का जरा भी लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। तो ऐसा जो है वो पुरुष है जिसकी चर्चा इस सूक्तों के द्वारा की जा रही है, और ये बड़े पवित्र एवं बड़े प्रभावकारी मंत्र है पुरुष सूक्त के। और इनका प्रयोग अक्सर कर हम देखते हैं कि हर प्रकार के पूजा विधानों में, संस्कारों में बहुत प्रभावी ढंग से और बड़े विशालता से किया जाता है। इसी से मिलता जुलता चौथा जो मंत्र था, तीसरे मंत्र का ही एक तरह से एक उसका पर्याय समझ लीजिए आप। पादुदतैर पुरुषः पादो सेहा भवात् पुनः ततो विश्वंग विक्रामत शासना नश्नोभि।
इसमें थोड़ा सा क्रम उलट करके कि तीन पाद उसके दिव्य लोक में है और एक पाद से उसने समस्त सृष्टि की रचना की है और पूरे विश्व में विक्रामते, उसमें उसका अतिक्रमण करके वो अमृत और जो भोजन पर आश्रित जो प्रजा है उसका वो स्वामी। तो इस प्रकार से संक्षेप में जो पहले चार मंत्र थे जिनको 2 सत्रों में मैंने पूरा किया था उनका एक मैंने रूपरेखा आपकी समक्ष प्रस्तुत की है जिससे कि आगे के मंत्रों में हम बढ़ सकें ध्यान से। अब हम आज की चर्चा के जो 2 मंत्र हैं जो जिसको मैंने टेकअप किया है इसको लिया है उस पर विचार करते हैं। तो पुरुष सूक्त का जो 5वां मंत्र है कि तस्मात विराट जायते विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्रिच्यते पश्चाद भूमि मथो पुरा। अब देखिए इस मंत्र से, इस 5वें मंत्र से सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, सृष्टि किस प्रकार से सृष्टि का प्राकट्य हुआ, उसका क्रम क्या था। देखिए हम साइंस साइंस हमारी साइंस जो है अभी तक इस बात का पता ही लगा रही है विभिन्न थ्योरी के द्वारा कि सृष्टि का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्या पहले आया क्या बाद में आया, और हमारे वेदों में इसके बीज निहित हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है कि सृष्टि कैसे है। देखिए इस 5वें मंत्र में बताया गया है कि सृष्टि का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हो रहा। कहते हैं तस्मात, कहीं कहीं ततो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषा सजातो अतिरिचित पश्चात भूमि मतो पुरा। तस्मात माने उसके पश्चात, किसके पश्चात कि जो पहले बताया था मैंने आपको जिन 4 मंत्रों में कि कैसे कैसे उसकी महिमा है, कैसे उसने अपने एक पाद से समस्त सृष्टियों को कोटि कोटि ब्रह्मांडों को रचित किया है। तो उसके पश्चात तस्मात माने उसके पश्चात क्या हुआ, विराट जायत, विराट शब्द जो है राट मैंने कहते हैं चमकने को, अत्यंत चमकदार अत्यंत प्रकाशमान अत्यंत तेजस्वी जो चीज होती है उसको राट शब्द से हम निरूपित करते हैं। तस्मात विराट जायत, एक ऐसा बड़ा पिंड, विराट एक महान एक बड़े विशेष को भी कहते हैं विशेष रूप से और आकार में भी बहुत बड़े महान विशाल दैदीप्यमान उस पिंड का प्रादुर्भाव हुआ। तस्मात विराट जायत, वो विराज एक महान पिंड उत्पन्न हुआ और विराजो अधपुरुषा, उस विराज से अगर शब्दार्थ हम दें तो उस विराट से क्या हुआ, उसका अधपुरुषा उसका अधिनायक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका अधिनायक पुरुष कैसा, जो उस विराट पिंड को उस दैदीप्यमान पिंड को उसका संचालन करने वाला हो, उसका नियंत्रण करता हो, उसका अनुशासन करता हो। देखिए बिना किसी अनुशासन के बिना किसी नियंत्रण के बिना किसी राजा के बिना किसी नियम के बिना किसी सिद्धांत के कोई भी सृष्टि सस्टेन नहीं कर सकती। तो जब विराट बना दिया गया, एक बड़ा भारी पिंड दैदीप्यमान पैदा हो गया तो उसका संचालन कैसे होगा, कैसे सृष्टि का आगे क्रम बढ़ेगा, उसके लिए एक नियंत्रणकर्ता की एक नियंत्रण एक एक अधिपुरुष की एक अधिनायक की आवश्यकता। तो उस परम पुरुष ने उस अधिपुरुष को उत्पन्न किया या उसके अंश से वही एक छाया रूप में अपने माया रूप में अधिपुरुष के रूप में प्रकट हुआ। तो पहली लाइन का अर्थ ही हुआ, शाब्दिक अर्थ ही हुआ कि ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुषा, पहले पिंड दैदीप्यमान पिंड जो है पैदा हुआ और उसको नियंत्रण करने वाला पहले पैदा हुआ। अब देखिए क्या होगा, जब तक नियंत्रण करता नहीं हुआ तब तक आगे की क्रिया नहीं संपन्न हो पाए। तो सजातो अतिरिचित, दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, सजातो अतिरिचित, उससे क्या जात हुआ क्या उत्पन्न हुआ, अतिरिचित, रिच धातु इसमें जो है लगाई गई है। रिच माने कहते हैं अलग अलग फैलना विस्तारित करना अनेक रूपों में फैल जाना। तो वो जो विराट जायत था जो विराज पुरुष था जिसका एक अधिनायक भी था उसने क्या किया, उसने अपना विस्तार लिया,
वो कई रूपों में कई जगह उसका फैलाव हो गया। जब फैलाव हो गया तो क्या हुआ, तमाम तरह की निहारिकाएं, तमाम तरह की गैलेक्सीज, मिल्की वे, तमाम तरह के सूर्य चंद्र ग्रह और अन्य अन्य पिंड जो है वो हमारी रचना में आ गए। तो ये सृष्टि का देखिए प्रादुर्भाव हो रहा, सजातु अतिरिचित। पहले एक महान पिंड हुआ, उसके बाद उस पिंड से, उस आदिपुरुष के प्रभाव से, उसकी संकल्प संकल्प मात्र से ये जो है उसका फैलाव उसका स्टार्ट। तो जब ये सब तरह के गैलेक्सी सब ये जब सजातु अतिरिचित उसका जो फैलाव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पश्चात भूमि मतो पुरा। फिर क्या हुआ, पश्चात भूमि मतो पुरा, फिर भूमि और उसके बाद पुर। पुर कहते हैं कोई एक बाउंड्री वाला, एक सीमित सीमाओं वाला, एक शरीर कहने चाहिए, कोई एक स्थान कहना चाहिए, यानी जीवधारी। पहले जो है जीवधारियों के लिए, जीव को उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म रूप से जीव उत्पन्न हो गए, लेकिन उन जीवधारियों के लिए पहले पृथ्वी का निर्माण किया गया और उसके बाद उनके देह, वो जीव किस देह में, किस स्वरूप में, किस आकार में, किस प्रकार में, किस विविधता में रहेंगे, उसके लिए उनका पुर का जो है, उनके शरीर का, उनके स्थान का निर्माण किया। तो ये तो इसका शाब्दिक एक प्रकार से अर्थ हो गया इस मंत्र का, कि हमारी सृष्टि का क्रम जो है किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से विस्तार लेता हुआ चला। अब चलिए इसको जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सों में इसका व्याख्या करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो सायण भाष के अनुसार कि उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड रूपी शरीर उत्पन्न हुआ, एक जो है जिसको विराट हम बोलते हैं, तो एक ब्रह्मांड रूपी एक शरीर उत्पन्न हुआ और उस विराट देह से उसका एक अभिमानी पुरुष, एक उसका नियंता, एक अधिपुरुष उत्पन्न किया गया। और वह जो अधिपुरुष था वह सर्वज्ञ, सभी वेदों का जानकार, परमात्मा परम पुरुष का एक तरह से रूप ही था, जो जीव रूप में उस ब्रह्मांड में, उस विराट रूप में प्रवेश कर गया। और उसके प्रवेश करने के बाद उससे देवता, मनुष्य और अन्यान्य तिर्यक योनियां उत्पन्न हुई, जो सूक्ष्म रूप में उस समय विद्यमान थी। उन्होंने अभी शरीर धारण नहीं किया था, वो फैल गया सब तरफ। उसके बाद उन जीवात्माओं के लिए पहले स्थान बनाया गया। अभी पृथ्वी का भी हम इसके बारे में विवेचन करेंगे। पृथ्वी का मतलब केवल ये खून से मतलब नहीं, पृथ्वी का मतलब जीवधारियों का जो कार्य क्षेत्र है जिसमें जीवधारी अपना कार्य कर सके, वो पृथ्वी पृथ्वी का यहाँ आशय है। और उसके बाद पुर मतलब उनके शरीरों का निर्माण किया गया। तो ये ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम हुआ। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा ने अपनी माया से एक विराट ब्रह्मांड की रचना करके स्वयं ही उसमें जीव रूप में प्रवेश कर गया। और जीव रूप में जब प्रवेश कर गया वो, उसके बाद जब उसमें चेतना उत्पन्न हुई, बिना चेतना के कोई चीज पैदा नहीं, सुप्त अवस्था में भले ही वो विराट जो है वो एक पिंड पड़ा रहे, उसमें कोई मूवमेंट, उसमें किसी प्रकार की गतिविधि, किसी प्रकार की चेतना उसमें जब तक पैदा नहीं हो सकती है, जब तक उस परम चेतन का अंश उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो उस परम चेतन अंश का जब प्रवेश हुआ, तब योनियों का विस्तार हुआ, सूक्ष्म जीवात्माओं का विस्तार हुआ और इस प्रकार से सृष्टि की रचना का प्रादुर्भाव। तो ऐसे आप कहते हैं पादो अस्य विश्वाभूतानि, ये जो आपका जो है पहले वाले मंत्रों में आया है पादो अस्य विश्वाभूतानि, ये यहाँ हमको इस बात का विस्मरण नहीं करना चाहिए कि जो भी सृष्टि की रचना हो रही है यहाँ पर, वो उस परम पुरुष के एक पाद से ही हो रही है। देखो
समर्थम देवी, वो तो त्रिपाद जो है वो तो सांसारिक दोषों से अछूता ही रहेगा, उसमें सांसारिक दोषों का लेश मात्र भी उसमें समावेश नहीं हो पाएगा। तो ये इसका एक पाद का ही चमत्कार है, उसी का प्रभाव, उसी की माया का वर्णन किया जा रहा। का तो बंद करो, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब समस्त सृष्टि के संचालन के लिए अदपुरुष भी हो गया, पिंड भी हो गया, सृष्टि का धीरे धीरे उदय होने लगा। तो उस ये जो सब हो रहा है, ये सब चीज की जा रही थी, उस महान चेतना के विस्तार का संकल्प मात्र था, उस जड़ चेतन की, इसके संकल्प से, उसके एक सोच से ही इस चेतन और जड़ चेतन सृष्टि की विस्तार एवं उत्पत्ति हो रही थी। यहाँ विराट क्या चीज है? यहाँ विराट विश्व का जो जितने भी ब्रह्मांड है या अपना ब्रह्मांड है, उसका एक समस्त रूप है। इस प्रकाशमान ब्रह्मांड को विराट के रूप में इसको निरूपित करने का प्रयास किया गया। वो एक प्रकार की समग्र ब्रह्मांड एक कॉस्मिक बॉडी है। कॉस्मिक बॉडी जो है उसको जो है अव्यक्त प्रकृति के रूप में भी उसका निरूपण किया गया है, अव्यक्त प्रकृति के नाम से भी उसको कहा गया है। और वह अव्यक्त जो प्रकृति है वो परम पुरुष पुरुषोत्तम पुरुष की प्रभा का, उसके चेतन स्वरूप का एक चमक है, उसकी प्रभा का ही रूप है। और इसी अव्यक्त प्रकृति से, इसी विराज से समस्त सृष्टि, समस्त जीवधारी उत्पन्न होते हैं और इसी में लय हो जाते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है। वो श्लोक इस प्रकार से है, अव्यक्ताद व्यक्त्या सर्वा प्रभवन्ति हरा गमे रात्र्या गमे प्रलीयन्ते तत्र व्याक्ति संगके। कहते हैं कि सारे जीव उस अव्यक्त प्रकृति के दिन में, यानी ब्रह्मा के जब दिन का होता है, सृष्टि का, उस अधिपुरुष का जब दिन उत्पन्न होता है, यानी सृष्टि का जब प्रारंभ होता है, कल्प का जब प्रारंभ होता है, तो उसपे सभी जितने भी जीव है उस पर प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रि के आने पे, कल्प के अंत में, प्रलय के समय में, वह पुनः उसी अव्यक्त प्रकट में विलीन हो जाते हैं, उसमें उनका लोप हो जाता है, उसमें लय हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उस विराज, उस ब्रह्मांड दे, उस कॉस्मिक बॉडी में जो उत्पन्न की गई और उस विराट से उसका अधिष्ठाता देव अधिपुरुष प्रकट हुआ, वो अधिपुरुष क्या था? इस रचनात्मक विश्व का एक स्वरूप कह सकते हैं, उसके द्वारा इस रचनात्मक सृष्टि रचना की गई, जिसको कुछ ग्रंथों में प्रजापति का नाम भी दिया गया है। तो यहाँ यह बात बड़ी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ध्यान रखने वाली है कि समस्त भौतिक ब्रह्मांड, उसमें रहने वाले सभी जीव, उसके शरीर, उस सभी परम पुरुष आदि पुरुष का एक चतुर्थांश पादो अस्य विश्वाभूतानि ही है, और त्रिपादस समर्थम दिवि, उसके तीन पाद जो है वो अमरत्व में, उस दिव्य लोक में ही स्थित रहते हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बताया गया था कि पश्चात भूमि मथो पुराहा। अब ये भूमि और जो पुर की बात जो की गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी इसका एक निरूपण किया गया है। और कहते हैं कि भूतै यदा पंचभी रात सृष्टि पुरम विराजम विरचस्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टा पुरुषाभिधाने ममाप नारायण आदि देवा। जब आदि भगवान नारायण ने अपने से उत्पन्न किए गए पंच भौतिक तत्वों से
इस ब्रह्मांड देह जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, वो ब्रह्मांड देह जो है, जो कॉस्मिक बॉडी कहती है, पंच तत्वों से बनी हुई है, पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई है, कि उसकी रचना की उसने। और क्या हुआ, स्वांशेन विष्टः पुरुषा विधान है, वो अपने अंश में उसमें प्रवेश कर गया। तो जैसा उसमें पहले, तो इसको कई तरह से वर्णन किया गया है। कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, हमारी जो भगवान के बारे में अवधारणा है उसको विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में, गीता में, कई कई तरह से समझाने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि हम अपने ढंग से जो भी हमारी समझ है, जिस ढंग से भी हम समझ सकें उसको समझें, भगवान के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तो एकम सत विप्रा बहुधा, एक ही सत है जिसको कि विद्वान लोग अनेक अनेक प्रकार से उसका निरूपण करते हैं, अनेक अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। तो जो आगे मैंने कहा था कि सचातो अतिरिचित है, वो अतिरिचित है, अत्यंत रूप से फैल गया, रिच धातु से फैलने का जब विस्तारीकरण हुआ सृष्टि का, कहते हैं सृष्टि अभी भी अतिरिचित, अभी भी फैल रही है, ब्रह्मांड जो है अभी भी विस्तारित हो रहा है, अभी उसका प्रभाव रुका नहीं है उसका। तो हमारे छांदों के उपनिषद में एक सूत्र आता है कि एको हम बहुश्यामः, भगवान ने कल्पना की, अपनी संकल्प की ब्रह्म ने, और एक से उसने कहा कि हम बहुत हो जाएं, कई हो जाएं, सृष्टि की रचना इसी प्रकार से, वही ब्रह्म सब जगह सृष्टि में अपने रूप में विद्यमान है। ज्ञान की बस पहचान की आवश्यकता है, वही ब्रह्म जो है वो सभी जीवधारियों में आप उसको देख सकते हैं। अर्थात जो ब्रह्म है स्वयं के संकल्प से विविधताओं में, भिन्नताओं में, विचित्रताओं में विस्तृत हो गया, नाना रूप आकृतियों में, छवियों में, बहुविध रूपों में, वही एक ईश्वर समाहित होकर है। तो जब इस विराट देह का सृजन हो गया और एक चमकदार पिंड हो गया, उसका अधिष्ठाता एक उत्पन्न हो गया, और उसके बाद भूमि और उसके जीवधारी सूक्ष्म जीवधारी पैदा हो गए, तो और उसमें प्रवेश करके उस भगवान परम पुरुष ने अधिपुरुष के रूप में चेतनता जीवंतता प्रदान कर दी, तब रचनात्मक कार्य प्रारंभ हुआ। तो जीवों के रूप में सबसे पहले उसने, अभी आगे के मंत्र में आएगा कि तेन देवा एजंते साध्या ऋषयश्च चा, देवताओं को, सिद्ध पुरुषों को और ऋषियों को उत्पन्न किया। कर्म देखिए आप, साइंस जो है अभी बहुत पीछे है, हमारे मंत्रों में सभी कुछ समाहित है, कैसे कैसे सृष्टि की रचना हो रही, क्या क्रम रहा उसका। तो जीवों के रूप में उसने क्या किया, सबसे पहले देवों को, साध्यों को और ऋषियों को उत्पन्न किया, बाद में अन्य जीवात्माओं को प्रकट किया, और उस अधिपुरुष ने, प्रजा पुरुष ने, उस परम पुरुष ने अपनी पहचान अलग बनाए रखी। तो देखिए इसमें क्या था, जो पहले था मूल मूल जो था पुरुष, उसका स्वरूप थोड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन इस प्रकार से हो गया कि उसने अपने एक पाद से सच की रचना में भाग ले लिया। तो इसलिए आगे के जो मंत्र आएंगे आपके पुरुष सूक्त के, उसमें ये बताया जाएगा कि पुरुष ने ही सृष्टि के वेदी पर अपने आप का होम कर दिया, हवन कर दिया, क्योंकि वही जब विस्तारित हो गया तो यज्ञ कार से ही सभी चीजों का विस्तारीकरण होता है। यज्ञ की महिमा के बारे में पुरुष सूक्त में काफी कुछ वर्णन किया गया है। तो ये इसका एक अर्थ ये भी निकाला गया है कि पुरुष ही जो है यज्ञ में समाहित होकर के आ गया। इसकी चर्चा अगले मंत्र में हम लोग करें। तो ये जो ब्रह्मांड जो एक अपना मानी देवता, उसका पुरुष हिरणगर्भ, इसको हिरणगर्भ के रूप में भी हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, कि कहा गया है हिरणगर्भ सूत्र में, हिरणगर्वा समवर्तागे भूतस्य जाता परित्येक आसी सदधार पृथ्वीं धामुदीपां
कस्मै देवाय हर्षाविदे, यानी जिसके गर्भ से ये सारा संसार बसता है, जिसके गर्भ में और जो सब प्राणियों का आधार मात्र है, और जिसने इस पृथ्वी को इस द्विलोक को धारण किया हुआ है, उसको छोड़कर हम किसकी पूजा करें, किसके लिए अपना हव्य पदार्थ अर्पित करें, यानी और हम किसका पूजा करें, उसी की पूजा करें जो परम पुरुष है। हिरण गर्भ इसको जो हमारा विराट है, जो विराज है, और उसका जो अभिमानी देवता है, पुरुष है, उसको हिरण गर्भ के रूप में भी कहीं कहीं इसका वर्णन किया। तो अब भूमि की जो बात आती है कि पश्चात भूमि मतोपुरा, यहां पे भूमि से तात्पर्य जो है वो इस भूमि से नहीं, जो पृथ्वी है उससे तात्पर्य नहीं है। तमाम प्रकार की सृष्टि की जब रचना हुई और रचना में अनेक अनेक प्रकार के प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो भूमि जो है उन सभी प्राणियों का कार्य की स्थली के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया गया है। यानी जो जलचर है उसके लिए जल भूमि है, जो थलचर है उनके लिए थल भूमि है, जो नभचर है उनके लिए नभ भूमि है। और भूमि को जो है तीन प्रकार की भूमि का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। एक तो पृथ्वी ग्रह जो सूर्य व चंद्र दोनों से प्रकाशित होती है, दूसरा मैत्रेय मंडल जो केवल सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, और तीसरा जो ब्रह्मांड सूर्य प्रकाश की जो अंतिम सीमा है जहां पर सूर्य केवल एक बिंदु मात्र में दिखता है। तो इस प्रकार से जो भूमि का जो यहाँ वर्णन है वो विस्तारित है, इसको आप संकीर्ण भाव से मत देखें। हर एक प्राणी के जितने प्रकार के प्राणी हैं उनके सबका कार्य क्षेत्र भूमि के रूप में यहाँ पर बताया। और एक शब्द और आया है यहाँ पर, अत शब्द आया है। दो शब्द जो है सृष्ट के उदय के समय में, एक ओम शब्द का और एक अत शब्द, ये दो बड़े पवित्र शब्द माने गए हैं। ओम तो अत शब्द के रूप में, मूल शब्द के रूप में माना ही गया है, और अत का मतलब होता है शुभारंभ करना, प्रारंभ करना, इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में बताना, और पूर्ण होना। इस प्रकार चार पांच अर्थ में अत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसमें कहा गया है कि पुर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुर का मतलब होता है कि कोई सीमाबद्ध रचना जो बाउंड्री से समाहित हो, जिसकी कोई सीमा हो, जिसकी कोई रूपरेखा हो। ऐसा नहीं अनंत जो है, अनंत तो एक ही है, पुरुष है वो अनंत है, बाकी तो सभी सीमा है, सबकी कोई ना कोई सीमा है, हो सकता है कोई बड़ी सीमा हो, कोई छोटी सीमा हो। तो सीमाबद्ध रचना वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसको पुर कहलाते हैं, पुर कहलाता है। और हमारे गीता के जैसे पांचवे अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन, यानी नव द्वारों की जो पुरी भक्त, जो मनुष्य का शरीर जो है नव द्वार वाला एक पुर है, एक पुरी है। तो पुर शब्द जो आया है पश्चात भूमि मतो पुरा, कि पहले भूमि का निर्माण किया गया और फिर उसके लिए उस जो जीवात्माएं सूक्ष्म रूप में थी उनके लिए शरीरों का निर्माण किया गया, अलग अलग शरीरों का, अलग अलग जीवधारियों के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर का निर्माण किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ऋग्वेद भाष्य में पुर की व्याख्या करते हुए कहा है कि पुरः पूर्वम भूमिम उत्पाद्य धारितवान तथा पुरुषस्य सामर्थ्यस्य जीवो अपि देहव धारित वानस्ति, अर्थात पुरुष द्वारा अपने सामर्थ्य एवं संकल्प से पहले भूमि उत्पन्न की गई, फिर जीवों के शरीर को या देह को बनाया या धारण किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पांचवा जो मंत्र है वो हमारा क्या बताता है, एक सृष्टि की रचना के बारे में बताता है कि किस प्रकार की सृष्टि का रचना पूजा हो। ततो विराट जायते विराजो अधि पुरुषा सजातो अतिरिष्टित पश्चात भूमि मतो पुरा। तो ये सृष्टि की रचना का क्रम जो है स्टार्ट हुआ।
अब इसके उपरांत जो है अगला मंत्र हम लेते हैं, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्मत बसंतो अस्याशीत्याजम ग्रीष्मा इदमा शरदहवि। देखिए दो प्रकार की सृष्टि थी। पहले मंत्र में यानी पांचवें मंत्र में पूर्व सृष्टि का वर्णन किया गया है। पूर्व सृष्टि में क्या हुआ कि विराट उत्पन्न हुआ, विराट का अधिपुरुष उत्पन्न हुआ जो उसका नियंत्रण करने वाला था, उसके बाद अतिरिच्यते उसका विस्तार हुआ, उसके बाद पश्चात भूमि मथुपुरा उसके लिए जो सूक्ष्म जीवधारी के लिए उनके लिए भूमि का निर्माण किया गया, और फिर उन जीवधारियों के शरीर का निर्माण किया। अब सृष्टि इतनी तो नहीं है, सृष्टि में तमाम चीजें हैं, उनके लिए औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, जल है और तमाम चीजें हैं, उनके कार्यकलापों के, इंद्रियों के लिए विषय उनके विषय हैं। तो इन सब चीजों का उत्तर सृष्टि में पांच जो छठवां हमारा जो मंत्र है उसमें इसका संकल्प सिद्धि की गई है, इसमें इसका इसकी भूमिका बनाई गई। अब देखिए कोई भी चीज जो है यहाँ पर पुरुष सूक्त में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व दिया। बिना यज्ञ के, यज्ञ क्या है? यज्ञ को जैसे हम लोग समझते हैं कर्मकांड का एक रूप समझते हैं, तो यज्ञ का जो है वो गीता के पहले भी शायद इसमें मैंने चर्चा की है, जब इसमें रुद्रम की शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा हो रही थी, तो गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ आपकी चेतना का विस्तार है, जो उस ब्रह्मांडीय चेतना थी, जो परम पुरुष की चेतना थी, अब उसने विस्तार लेना प्रारंभ किया गया है, तो यज्ञ का रूप जो है। इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में भी यज्ञ का बहुत अधिक महत्व है। यज्ञ से ही वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न का उत्पन्न होता है, और अन्न से ही इस जीवधारियों का शरीर उनका जो है पालन पोषण होता है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ त्याग का जो है प्रतीक है। जब यज्ञ की बात करते हैं तो आप समझिए कि आप त्याग का, अहंकार विहीन होने का एक प्रतीक है। जब तक अहंकार से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप जो है इस माया मोह से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये यज्ञ जो है बहुत सी चीजों को बताता है। गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, अर्थात ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ से प्रजाओं को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के माध्यम से बुद्ध को प्राप्त करो और अपने इच्छित भोगों को प्राप्त करो। इसमें गीता में भी कहा गया कि प्रजापति ने, जो अधिपुरुष जिसकी वर्णन किया गया था, हिरण्यगर्भ के जो स्वामी था, जो अधिपुरुष था, जो प्रजापति था, उसने क्या कहा? कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ किया, जो अभी यज्ञ की बात हम कर रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। तो प्रजाओं की रचना जो हुई, जो उत्तर सृष्टि की रचना हुई, वो यज्ञ के माध्यम से। अब इसमें देखिए क्या है कि सृष्टि की रचना में तो केवल परम पुरुष था, तब यज्ञ के लिए कोई सामग्री तो थी नहीं, तो यज्ञ कैसे संपन्न हो? वो तो कहा यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन, यज्ञ मतन बल। पहले श्लोक में बताया था कि सूक्ष्म जीवधारी जो थे, सूक्ष्म जीवधारियों में भी सबसे पहले देव सिद्ध और ऋषियों को उत्पन्न किया है, बाद के जो मनुष्य हैं और तिर्यक योनियों की जो सृष्टि हुई वो बाद। यानी ईश्वर ने भी, पुरुष ने भी, जो उच्च चेतना शक्ति वाले जो जीवधारी थे उनका पहले सृष्टि की निर्माण किया, और उसके बाद उस चेतना से उसने जो है नीचे तक इसका विस्तार किया। तो जब देवताओं ने यज्ञ कार्य को आयोजित किया किसके लिए? यज्ञ मतनवत, तनु धातु यहां पे आई है, तनु
तनु धातु मतलब तानना। आपने देखा होगा कि जब कोई पंडाल ना कोई चीज कहते तान दो भाई इसको, तानने का मतलब विस्तार करना। तानना शब्द जो है तनु धातु से बना हुआ, तनु विस्तारे सूत्र से बना हुआ है, तनु माने विस्तारित करना। तानना शब्द जो है वो हिंदी का बड़ा एक शब्द लगता है, बड़ा देहाती शब्द लगता है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द तनु विस्तारे। तो देवा यज्ञ मतनवत, देवों ने यज्ञ का अतनवत ताना उसको विस्तारित किया। सृष्टि की हमको विस्तार करना है तो देवों ने यज्ञ के माध्यम से उसका विस्तारण किया। और विस्तारण करने के बाद में कैसे विस्तारण किया, अब यज्ञ करेंगे तो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आवश्यकता जिनकी पड़ेगी। सबसे पहले क्या पड़ेगी आपको, घी। घी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट जो है यज्ञ के लिए होता है। तो उन्होंने क्या कहा, वसंतो अस्यासी द्याज्य, वसंत ऋतु को ही, वसंत अस्य आसीद आज्यम, आज्यम कहते हैं घी को, वसंत ऋतु को ही उन्होंने घी का जो है संकल्प से घी को घी मान लिया उसको। और ग्रीष्मा इदमा शरद हवि, ग्रीष्म ऋतु को ईदमा, ईदमा मतलब ईंधन लकड़ी जो हवन में प्रयोग की जाती है अग्नि का विस्तार देने के लिए, तो ग्रीष्म ऋतु ईदमा हो गई और शरद ऋतु हवि, हवि मतलब जो पुरोडास जिससे जो है यज्ञ का जो जो साधन होता है, हविष्य जो होता है, सामग्री होती है, इसमें तिल जौ वगैरह मिला करके जो हम सामग्री बनाते हैं हम लोग, तो वो जो है उसको शरद ऋतु को जो है उन्होंने उसको मानते हुए उसका प्रारंभ किया यज्ञ का देवताओं ने। तो अब कहीं कहीं जगह लिखा हुआ है कि पुरुष को ही उन्होंने हविष बना लिया, जो अधिपुरुष था, जो देवता था, जो ब्रह्मांड का नियंता था, जब कोई चीज नहीं तो देवों ने संकल्प से हमने अपने मानसिक यज्ञ किया। यहाँ एक जो यज्ञ हो रहा है, एक मानसिक यज्ञ हो रहा है, एक संकल्प यज्ञ हो रहा है, तो कोई पदार्थ नहीं है यहाँ पर, मानसिक यज्ञ भी कर रहे हैं। और मानसिक यज्ञ में क्या हो रहा है, घी का भी रचना है इसमें, ईंधन की भी है और हविष की भी इसमें जो है कल्पना की। तो शाब्दिक अर्थ में अगर हम लें तो शाब्दिक अर्थ में इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि देवों ने जब बाद की जब उत्तर सृष्टि की रचना करने के लिए विस्तार किया तो उस पुरुष स्वरूप को ही मानसिक संकल्प से यज्ञ की सामग्री मानते हुए यज्ञ का विस्तार किया। और जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा है कि संकल्प द्वारा बसंत को जो है घी, ग्रीष्म ऋतु को ईंधन और शरद ऋतु को हल पदार्थ मानते हुए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। तो ये क्या था, ये संकल्प यज्ञ था, ये मानसिक यज्ञ था, और इसमें संकल्प के द्वारा, और देवता क्या थे, देवता जो थे उस पुरुष के समझिए इंद्रियां ही उसकी देवता थी। उसकी जो इंद्रियां थी उस परम पुरुष की, उससे अधि पुरुष की, वो देवताओं के रूप में पहले प्रकट हुई और उन्होंने यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि की रचना का विस्तार किया। अब जैसे मैंने कहा कि अब ये उत्तर सृष्टि की रचना हो रही है, पूर्व सृष्टि की रचना तो हो गई विराट के रूप में और उसके रूप में अथ भूमि मथोपुरा के रूप में हो चुकी है इसमें। तो प्रस्तुत मंत्र में क्या है कि सृष्टि के दूसरे चरण में कैसे अस्तित्व में आई, इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर यत पुरुषेण हविषा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यत माने उस स्थिति और उस अवस्था को बताता है जब पहली सृष्टि की रचना हो गई, उसके बाद उत्तर सृष्टि की जब प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और प्रथम सृष्टि की रचना हो चुकी है, वो यत शब्द बताता है। तो इस अवस्था में पृथ्वी तथा अन्य खगोलीय पिंड जब बन चुके थे, जीवात्माओं के शरीर का निर्माण कार्य भी हो चुका था, उस समय के बाद देवताओं की जो शेष आत्माएं थी, जो पहले अवतरित हो चुकी थी, उन्होंने सृष्टि के विस्तार के हेतु जो है यज्ञ का विस्तार किया। देव क्या है, देव जो है दीप्तमान जो है, जो दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो देव है। और दूसरे अर्थों में अगर हम लें तो देव वो है जो
संसार के कल्याण के लिए कोई न कोई उपयोगी पदार्थ, आवश्यक पदार्थ वितरित करते रहते हैं। देव में जैसे सबसे हमारे सामने सबसे दृश्यमान जो है देव जो है सूर्य है, जिसके बगैर इस ग्रह का जीवन संभव नहीं है। तो देव जो है क्या है, देने वाला है, देवता है, तो लेव है, लेने वाले। तो लेवता से देवता बनने का एक उपक्रम है। चेतना का विस्तार जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है, जैसे जैसे हमारा बुद्धि उच्च स्तर पर जाती है, तैसे हम देवता की योनि में अग्रसर। तो इसमें क्या किया कि यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ बद्धमत, उस पुरुष ने ही हविष का रूप धारण कर लिया। वो जो है मंत्र का पुरुषेण हविषा हमें ये बताता कि ब्रह्मांड का नियंता पुरुष स्वयं ही अपने आप को यज्ञ में होम करने के लिए तत्पर था हो गया। देखिए जैसे मैंने बताया था पहले कि यज्ञ का मतलब क्या है, त्याग है, अपना अपना सर्वस्व निच्छावर करना है। केवल भौतिक सामग्री ही यज्ञ की कुंड में डालना मात्र नहीं है। जब हम यज्ञ करते हैं तो अपने विशिष्ट पदार्थों को अहंकार विहीन होकर के जन कल्याण के लिए सूक्ष्म रूप से उसका विस्तार करके पूरी सृष्टि के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, उसके भले के लिए हम कल्पना करते, शुभ संकल्प करते हैं, तब यज्ञ संपन्न होता है और तभी सृष्टि का विस्तार होता है। सस्य के निर्माण में यज्ञ एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वो यज्ञ का विस्तार जो है देवताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यत पुरुषेण हविषा देवा, पुरुष द्वारा ही हविष का कल्पना कर ली गई। ये यज्ञ ऐसा था जिसमें पुरुष स्वयं बलि था, स्वयं आहुति था, यज्ञ की वही सामग्री था, वही उपकरण था, वही यज्ञ करने वाला था, और यज्ञ की अग्नि भी वही था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पुरुष ही साधक था, वही साधन था, वही साध था, वही पदार्थ था, वही यज्ञ था। सब कुछ उसने अपने आप को पुरुष भगव इस सस्य के रचना के लिए, इस सस्य के विस्तार के लिए, इसके भले के लिए, इसीलिए कहते हैं कि पूरा जगत ब्रह्ममय है, क्योंकि वो ब्रह्म ही सब जगह विस्तारित हो गया। गीता में भी इसका इस यज्ञ को गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में इसको बताया गया है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविरय ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण, अर्थात अर्पण करने का साधन, अर्पण करने का साधन क्या होता है, सुरभा वगैरह और जो पदार्थ होते हैं, ब्रह्म है, हवि साकल्य हवन करने के जो योग्य द्रव पदार्थ हैं वो भी ब्रह्म है, और ब्रह्म कर्ता के रूप में ब्रह्म रूप अग्नि में आहुत देना रूप भी क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो जाती, यानी जो भी वो कर्म करता है मनुष्य ये समझ के करता है कि हम ये ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य क्या करता है, उसका फल भी ब्रह्म होता है, वो ब्रह्म की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर लेता है। तो सृष्टि की रचना में, सृष्टि उत्तर सृष्टि की रचना में यहां से यज्ञ का प्रारंभ होता है, और जो अंतिम मंत्र आएगा यज्ञ यज्ञ में जयंती देवानि तानि धर्माणि पितृणां सन्ति हि नाकं महिमाना सचंत पूर्वे साध्या सन्ति देवा, उसमें भी जो समापन किया गया है इस पुरुष सूक्त का, वो यज्ञ से किया गया है कि यज्ञ से हमें यज्ञ की ही प्राप्ति हो, ऐसा अंत में जो है ऐसा शुभ संकल्प, ऐसा शुभ वरदान मांगने का प्रयास किया। तो यह जो यज्ञ किया और जिससे इसका विस्तार किया गया कि देवा यज्ञ वसंतो अस्याद्याज्यम ग्रीष्मा इतमा शरद। ये यज्ञ कोई कर्मकांड वाला यज्ञ नहीं था, कोई राजसू यज्ञ नहीं था, कोई पशुबलि वाला यज्ञ नहीं था, कोई सोम यज्ञ वाला यज्ञ नहीं था, अभी तो ये मानसिक यज्ञ था, एक संकल्प यज्ञ था, एक सार्वभौमिक यज्ञ था, सर्वजन हिताय यज्ञ था, एक रचनात्मक यज्ञ था, ये किसी धर्म संप्रदाय, किसी विश्वास या आस्था से जुड़ा यज्ञ नहीं था, परंतु
ये मानव जात के लिए बहुत बड़ी सिखावनी थी कि अगर हमें संसार का कल्याण करना है तो हमें अपने आप का बलिदान पहले करना पड़ेगा, हमें अपनी सुख सुविधाओं को पहले वंचित करना पड़ेगा, हमें जगत कल्याण के लिए पहले जगत का एक पहले उनका उनका भला पहले सोचना पड़ेगा, भले ही हमको अपने इसमें जो है पूरा सर्वस्व इसमें निछावर भले ही ना करना पड़े, जैसे उस पुरुष ने किया कि यत पुरुषेण हविषा देवाय के बदन पर अपने को हविष बना लिया जिसने। तो इसमें जो है इस यज्ञ में उस प्रजा पुरुष की उस प्रजापति की इस सृष्टि की उत्पत्ति में क्या भूमिका थी, ऐसा नहीं था कि केवल वो कार्यकर्ता कोई मैन्युफैक्चरर था कि उसने कुछ पदार्थ लिए और सृष्टि की रचना कर दी उसने और बस खत्म हो गया, वो इसका बस करता हो गया, बल्कि क्या था वो साधन था, वही करने वाला था, वही हवस था, वही होम था, सब कुछ वही था। तो इसलिए उन देवताओं ने प्रजापति से पुरुष से सृष्टि के निर्माण हेतु जब प्रार्थना की गई कि भाई जब सृष्टि की रचना जब आया तो सृष्टि का जो रूप था बड़ा आधा अधूरा था, यज्ञ के द्वारा क्या हुआ एक रूप एक जो है एक सृष्टि का जो है एक क्रमबद्ध रूप एक नियंत्रित रूप एक कल्पनाशील रूप जो है प्रकट करने की आवश्यकता थी, वो यज्ञ के द्वारा पूरी हुई। अब इसमें एक एक जो रूपक लिया गया है कि बसंतो सरदवी, अब बसंत बसंत नित को घी के रूप में क्या क्यों माना गया, बसंत इसको इसमें कल्पना के द्वारा संकल्प के द्वारा बसंतो अस्याशीद आजम बसंत अस्य आशीद आजम आजम माने घी, तो बसंत ऋतु घी रूप में मानने कारण बसंत ऋतु का जो समय होता है उसमें अग्निगण के पदार्थ जो है अग्निगण पदार्थों में बसे होते हैं, ना अधिक ऊष्मा होती है और ना ज्यादा ठंडा होता है, बसंत ऋतु जो है एक सम होता है। तो घी में क्या होता है, घी तभी डाला जाता है जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो ये अग्नि को बढ़ाने का काम करता है क्योंकि अग्नि के कण उसके में बसे हुए थे उसमें रचे बसे होते हैं, तो जब घी जो है आज जो है जब अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि का विस्तार होता है, तो इसलिए बसंत ऋतु को घी मानने का एक वैज्ञानिक कारण ये है कि बसंतो अस्यासी त्याजम। अब इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु को ईंधन माना गया है, क्यों माना गया है, ग्रीष्म ऋतु में जो अग्नि के कण होते हैं वो ज्यादा होकर क्या आते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं अग्नि के कण, और पदार्थों को ग्रसने की शक्ति होती है, पदार्थों को समाप्त करने की उनका भक्षण करने की शक्ति उसमें होती है, तो ईंधन जब डाला जाता है तो ईंधन जब आग में डाला जाता है तो वो जो भी पदार्थ डालोगे उनका भक्षण करने की शक्ति उसमें हो जाती है, तो वो ग्रीष्म ऋतु जो है उसको ईंधन के रूप में इन्होंने इसको लिया। और फिर कहते हैं क्या शरद हवि, जो हविष्य पदार्थ है शरद ऋतु में क्या होता है, जो अग्नि के कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षय हो जाते हैं, घिस जाते हैं, मुथरे हो जाते हैं, वो सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है ग्रीष्म में, इसलिए कहते हैं कि शरद ऋतु में क्या है कि आपको ज्यादा भोजन जो है जल्दी सुपाच्य हो जाता है, तो इसलिए जब हविष पदार्थ जब ऊष्मा ठंडी होने लगती है यज्ञ की तब उसमें हविष पदार्थ डाल देते हैं हम स्वाहा, तो स्वाहा के साथ क्या होता है उस समय उसकी ऊर्जा की जो आवश्यकता यज्ञ में है यज्ञ को संचालित बनाए रखने के लिए यज्ञ का कर्म जो है बनाए रखने के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हविष्य की जो आवश्यकता होती है वो शरद ऋतु में यानी हविष्य पदार्थ थे उसको शरद ऋतु के रूप में उसको हविष्य पदार्थ को ले लिया उन्होंने, और जिससे कि अब यज्ञ का कार्य आपका निर्विघ्न रूप से सुचारू रूप से आगे चलता रहे। तो ये यज्ञ जो है एक विशेष प्रकार का यज्ञ था, वास्तव में ये यज्ञ क्या था उस पुरुष की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय चेतना थी, उसका अलग अलग व्यक्तिगत चेतनाओं में रूपांतरण था, ये जीवन और मृत्यु के बीच का विस्तार था, प्रकृति रीतियों सभ्यताओं विकास पतन का जो क्रम है सतत चलने वाला जो यज्ञ है वो ये यज्ञ था। ये मानव जात का एक उद्देश्य जिसमें क्या है मानव मात्र का मूल सर्वोच्च चेतन स्वभाव को प्राप्त करना,
मानव जीवन का उद्देश्य क्या है कि जो हमारा चेतना का स्तर है उस चेतना के स्तर को विस्तारित करना, यज्ञो अतुनवत, मतलब उसको तद विस्तारे करना, उसका विस्तार करना, चेतना का विस्तार करना, और उस चेतना के विस्तार को इस लेवल तक ले जाना कि हम ब्रह्मांडीय चेतना के उसके बराबर पहुंच सके, उस पुरुष के सानिध्य में जा सके, ये सब का मूल उद्देश्य रहा। और जिसमें पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात जो है उसी का हिस्सा जो है हो जाए, और हमारा चिंतन जो है उस महाचिंतन के बराबर हो जाए। इसमें अभी ये दो मंत्रों के साथ हम एक गुरुवाणी के एक शब्द से मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा कि सतगुरु नानक प्रकटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो वही एक नूर, वही एक विराट जो प्रकाश दीप्यमान पिंड उसका पुरुष, उसी से सब पूरा संसार पूरी सृष्टि का उदय हुआ है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी उस ईश्वर के उसी एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। प्रणाम, वंदन। धन्यवाद आदरणीय सिंह जी। हमारे सब सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में। आदरणीय अविनाश कृष्ण जी बहुत लंबे समय बाद आए हैं हमारे चैनल पे, तो धन्यवाद के दो शब्द बोलेंगे अविनाश कृष्ण सर। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। आवाज़ कम आ रही है? नहीं आवाज़ तो ठीक है। ठीक है, अब तो ठीक है, अब हाँ ठीक ठीक है, है। अब ठीक है, अब फिर हाँ अब ठीक। अकबर सभी लोगों को, साहब सभी लोगों को प्रणाम। नमस्कार, मेरा जो है, मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ। सभी लोगों का नमस्कार, सभी नमस्कार। लोगों का। अभी आचार्य जी की कविता, एक किताब का विमोचन हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। और पाणिनि अष्टाध्यायी पर उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, एक महाग्रंथ लिखा है 1100 पृष्ठों का, जिसका विमोचन भी दिल्ली में किया गया था। और हमें भी उस अवसर का, उस महान अवसर का एक पात्र बनने का, उसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में आचार्य जी बताएंगे कुछ, मैं समझता हूँ उसके बारे में बताएंगे। एक मैं समझता हूँ कि एक अमूल्य धरोहर है जो कि संस्कृत के जो जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स क्या जो शोध वर्क करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी निधि है, जिसको कि आचार्य अविनाश कृष्ण सबके सामने प्रस्तुत किया। उनका बहुत बहुत साधुवाद जो इस वार्ता में जुड़े हमारे साथ में। आगे अग्रवाल साहब, ये सृष्टि उत्पत्ति की बहुत बहुत अच्छा व्याख्या किया आपने। जो यज्ञ के बारे यज्ञ बताया, इसमें पहली बार आपने, नॉर्मली ये कोई कहता नहीं है, लेकिन आपने एक एक शब्द निकाल दिया है कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है। अदरवाइज अगर आप फिजिकली इसको इमेजिन करें, लगता है कि कहानी सुना रहे हैं, पे वो पुरुष था, उसने ये संकल्प किया, ये पैदा हुआ, पिंड पैदा हुआ, ऐसे जैसे ड्रामा लग रहा है और कोई फिजिकल प्रेजेंट है वो करवा रहा है। लेकिन जो आपने एक शब्द बोल दिया है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, यही सारांश है सबका, कि ये कुछ है नहीं कि वहां कोई किसी ने, एक मनुष्य ने या किसी शक्ति ने, शक्ति ने मैं एनर्जी नहीं बोल रहा, कि किसी ने संकल्प, आपने मानसिक भी बाल बोई, मानसिक तो वो ही होता है जिसका अगर कोई मन है तभी मानसिक होगा, ब्रेन होगा, ऐसा तो कोई था नहीं वहां उस सृष्टि में, तो कुछ भी नहीं था जब था। तो ये एक नेचुरल कॉस्मिक क्रिया है सृष्टि उत्पत्ति की, पृथ्वी उत्पत्ति की भी, और ये है उसको आप ब्रह्म का रूप बता दीजिए, प्रकृति को आप बता दीजिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस हर में भी वही है, साधन भी वही है। आप जैसे या बसंत ऋतु, ये देख एक कवि की कल्पना है, किसी की ब्यूटी आंखों को बसंत ऋतु बोल देते हैं, किसी की गालों को सेब बोल देते हैं, तो वही ये एक ये इमेजिनेशन है भाई। आज ये सामग्री वो है, घी वो है, और ये ईंधन वो है, तो ये एक बड़ा आज कन्विंसिंग लगा मुझे, एक पहली बार इतने प्रवचन, और क्योंकि ईश्वर सृष्टि उत्पत्ति संस्कार विधि में उसमें भी लिखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखी हुई है, लेकिन जिस तरह का आपने आज वर्णन किया है
उसमें से आप अपने आप व्याख्या करते करते आपने अपने आप ही उसका इतना सरल समाधान सा दे दिया है कि किसी को डाउट, अदरवाइज तो आता रहता है यहाँ कोई, वहां शिव बैठा है, यहाँ ब्रह्मा बैठा है, यहाँ शंकर बैठा है, वो सारी एक लगता है कि एक ड्रामा है। लेकिन ये अगर आप ये प्रोसेस बोल देते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है, बड़ा एक बहुत ही कन्विंसिंग है। और सत्य में भी यही है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस हुई है, कॉस्मिक एनर्जी की डिफरेंट फॉर्मेशन हुई है और उससे सबको डेवलप हुआ है, तो एक बड़ा कन्विंसिंग लगा है। और एक दूसरा ये कहा था कि ये सब जान जान लिया आप, लेकिन इसमें इसके बाद इसका यूटिलाइजेशन मनुष्य अपने में कैसे करेगा? मेरे हिसाब से तो वो है जो वही एनर्जी जो है उसके साथ एक रेजोनेंस पैदा की जाए, और तभी वो शक्ति के आपके साथ उसके साथ मिलके एक बिल्कुल रेजोनेंस सेम वेवलेंथ में आने में एक जो आनंद समय आता है, बिल्कुल एक समभाव आ जाता है। वही एक मनुष्य का एक जो समाधि बोलिए या साधना बोलिए, वही एक एक प्रोसेस, वो भी यही एक है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे बता दीजिए। देखिए आपने तो सब बोल ही दिया ना। देखिए आप कह रहे हैं कि नेचुरल प्रोसेस तो खैर है ही, लेकिन कोई ना कोई शक्ति तो है ही, कोई ना कोई तो है ही जो सबको संचालन करने वाला। बिना संचालन करने के कोई चीज जो है रही वो सस्टेन ही नहीं कर सकती है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है ना, कि आप कहें कि बिना किसी शक्ति के, बिना किसी चेतना के, आप नाम कुछ नहीं लेती, आप ये नाम छोटा सा कुछ प्रश्न करता हूँ, ये बारिश हो रही है क्या? कोई आदमी बैठा के बारिश करवा रहा है? ये समुद्र से पानी उड़ रहा है क्या? कोई बैठा हुआ पानी उड़वा रहा है? ये प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब वो प्रकृति नेचुरल बन चुकी है, वो बन वो चुकी है। नेचुरल आप प्रोसेस को चलाने वाला कौन है? देखिए ये साइकिल है, टोटल टोटल साइकिल अनंत है, इनफाइनाइट है। देखिए ऐसा है ना, आप देखिए जो निषेध करते हैं वो कुछ न कुछ उस तत्व को मानते हैं। जब हम किसी का जो है ना किसी चीज का निषेध करते हैं, तो जब निषेध आप तभी करेंगे जब उसको मानेंगे, तभी निषेध कर निषेध पाएंगे। नहीं है, मैं एक शक्ति को तो और मानता हूँ, ये बस नहीं, बस लेकिन वो वही एक वही मैं कह एनर्जी रहा है, हूँ, ये वो फॉर्म ऑफ चेतना, एनर्जी है। ठीक वो चेतन शक्ति ही अनेक रूपों को धारण कर लेती है। ठीक है ठीक ना, ठीक और यही मेरा कहने का मतलब। देखिए पुरुष शब्द जो आया है, पुरुष सूक्त में पुरुष का कोई किसी देवता से किसी रूप से उसका नहीं, उसका सामंजस्य नहीं किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल पहले उसको तो उन्होंने एक कल्पना, आप सही कह रहे हैं, ये कल्पना ही की गई है हमारे ऋषियों द्वारा। कहा गया सहित शीशा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहित पात है भूमि सांगलम। ठीक है ना, तो वो सहित शीशों वाला कोई सहित शीशों वाला थोड़ी नहीं, रावण की तरह 10 शीश वाला है। बिल्कुल ये एक बिल्कुल एक एक कल्पना की गई है। हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है, इतने विस्तारित इतने ब्रह्मांड को जो कि कोट कोट ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहे हैं। और देखिए अभी जैसे सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर दूरी पे है, जिससे कि आपस में टकरा ना जाए। गुरुत्वाकर्षण का भी एक पर्टिकुलर जो है उसमें समावेश किया गया है। तो ये सब चीजें थ्योरी जो लगाने वाला है, जो फार्मूला लगा के सबको स्थापित किया है इस पूरे ब्रह्मांड में, कोई ना कोई तो नियंता है भाई। ये अपने आप नहीं चल रहा बिल्कुल कुछ भी, ये अपने आप नहीं चल रहा है। ये कोई ना कोई ये चेतन शक्ति है जो उसको चलाने वाली है। और उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप जैसे बिजली का, विद्युत शक्ति का कोई स्वरूप नहीं हो सकता है। आप फ्रिज में डाल दोगे तो फ्रिज की तरह दिखाई पड़ेगा, जब आप उसको कूलर में डाल दोगे तो कूलर की तरह चलने चढ़ाई पड़ेगा। ठीक है ना, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है। एनर्जी है। तो वो जो है वो एनर्जी जो है वो चेतन है, जो ब्रह्मांडीय चेतना जो है उस ब्रह्मांडीय चेतना को पुरुष के रूप में कहा गया है। ठीक अब ठीक ऋषियों ठीक ने उसकी कल्पना की। आगे भी इसको आगे के जब मंत्र पढ़ेंगे तो उस पर साफ साफ लिखा है कि कल्पना है ये है कि ब्राह्मणो मुख आसीद है बाहो राजन्याकता रू तदस्य गवेश्या पदभ्याम सूत्र हो जाए। कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए, तो क्या है कि विभिन्न प्रकार की कल्पना के माध्यम से उस पुरुष का वर्णन किया गया जिसको हम नहीं जान सकते हैं, जो इतना विशाल है, इतना सूक्ष्म है। देखिए बिल्कुल ठीक अत्यधिक सूक्ष्म होगा उसको भी हम नहीं समझ सकते हैं। जो बिल्कुल ठीक अधिक बिल्कुल बहुत ठीक बड़ा विस्तार होगा उसका भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? प्रतीकों के माध्यम से, हम जो है उपमाओं के माध्यम से, हम कल्पनाओं के माध्यम से हम उसका वर्णन करते। और पूरा बिल्कुल जो है, पूरा जो भगवान की चर्चा है, भगवान के भजन है, भगवान के भक्त हैं, वो उसकी उसके रूपों का, उसके बिल्कुल वर्णन ठीक का, उसको इस बिल्कुल तरह से ठीक वर्णन करते हैं
अब आप ये बिल्कुल कहिए कि साहब कुछ नहीं, सब नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस तो है, लेकिन उसको नियंता तो कहीं ना कहीं है। बिना नियंता के सृष्टि जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी। सृष्टि का संचालन जो है बिना किसी नियंता के, बिना नियंत्रणकर्ता के नहीं हो सकता है, ये मेरा कहने का आग्रह है। बाकी एक आप जो है जैसे समझे, लेकिन उस शक्ति को तो मानते आप भी। बिल्कुल 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 चलिए सर, कोई और किसी का प्रश्न है तो, नहीं तो आदरणीय अविनाश कृष्ण साहब, दो सब धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को प्रणाम। मैं एक्चुअली जो है व्यस्त था मेरी दो पुस्तकों में, एक देववाणी तत्वबोधिनी और गीता अमृतवाणी, उन दोनों का विमोचन हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ। देखिए सृष्टि के संबंध में अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से समझाया, उदाहरण भी लिए, गीता की उदाहरण लिए। गीता में कहा अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रवन्ति अरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञिति। अव्यक्त से ही दिन क्या है, दिन जो है ये सृष्टि काल है, और रात्र क्या है, ये प्रलय काल। प्रलय काल में सारे लुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, और उसमें उत्पन्न होते हैं। ये यज्ञ के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में क्या है? जैसे गीता के 9वें अध्याय के 16 श्लोक में भी 16वें श्लोक में कहा, और वहां भी कहा गया, तो बड़ी अच्छी तरह समझाया कि अहम क्रतु अहम यज्ञ सौदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम ए वाद्यम अहम अग्नि अहम होता। तो तो कुछ यही नहीं, सारे जो है इनको बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया। और जो है ये अग्रवाल साहब ने बड़ा स्पष्ट किया है यज्ञ के बारे में, बताया कि यज्ञ क्या है। यज्ञ जो है पहले तो स्वयं का ही यज्ञ है, ये अपने को समर्पित कर देना ही यज्ञ है। मैं इनको जो है साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री जी एम अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार था, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं लेकिन तजुर्बे बहुत मिले, जिंदगी मिली नहीं लेकिन तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तो मैंने कहा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो, मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड गिलास ही हटा दिए, मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड गिलास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई बुराई करते लोग नजर आते थे, जिसमें पीछे छूटते रास्ते। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। सबको। शांति शांति।